हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी 7 दिनों के। फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई करते हुए पहले ही वीकेंड में यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को लेकर 43 करोड़ कमा लिया। उसके बाद 12 करोड़, उसके बाद 7 फिल्म 6, इस तरह से कुछ कलेक्शन इस फिल्म के सामने आए। और करीबन करीबन जो 7वां दिन है यानी कि फर्स्ट थर्सडे को इस फिल्म ने कमाई की 5.06 करोड़ की, और उसके साथ फिल्म का कलेक्शन हुआ है अब तक का 73 करोड़। जी हाँ, 73.66 करोड़ प्रॉपर कलेक्शन है, यानी कि लगभग इस फिल्म को और 27 करोड़ चाहिए 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि एक हफ्ते का आंकड़े के बाद कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि ये फिल्म ये 100 करोड़ तक पहुंचती है कि नहीं और कहां तक इसका बिजनेस जाता। तो आपको बता दूं, पहले हफ्ते के बाद इतना श्योर हो चुका है कि सेकेंड वीक में भी ये फिल्म अच्छी कमाल करेगी। और इसका जो इसे कंपटीशन ज़रूर मिल रहा है 4 फिल्मों से, चाहे वो मंत्रा हो, चाहे वो आगे हीरो हो, चाहे और जो 2 फिल्में रिलीज़ हो रही है मशीन हो या ट्रैप्ड हो, इन सब से कंपटीशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद इन 4 फिल्मों को पछाड़ते हुए बद्रीनाथ की दुल्हनिया कलेक्शन अच्छा रहेगा। और पहले ये सेकेंड वीकेंड में यानी कि सेकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे में अगर ये फिल्म 3 दिन में 5-5 करोड़ भी कमाती है तो 15 करोड़ का कलेक्शन अगर जोड़ लें हम इन 27 करोड़ जो अगर बचा रहेगा तो हमें करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि सेकेंड ट्विस्टे या वेनसडे तक ये फिल्म आराम से कमा लेगी। यानी कि ये फिल्म को कम से कम 13 दिन लग सकते हैं, 12 से 13 दिन 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए। और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक ये 100 करोड़ क्लब से पार चल जाएगी मूवी, इतना तो पक्का है। और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन की जहाँ तक बात करें तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन करीबन करीबन 110 से 15 करोड़ के बीच तक का हो सकता है, जहाँ तक मुझे अभी तक लग रहा है। आपको कैसे लगा इसके कलेक्शन आप जरूर बताइएगा, और आप कितने खुश उसके कलेक्शन से जो है 73.66 करोड़, इसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।